नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाजिर है करने के लिए हाई अलर्ट उन दरिंदों को जो बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। जी हां, निर्भया केस में आए फैसले ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि दरिंदों के लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर बेटियों को शिकार बनाओगे तो अंजाम फांसी से कुछ भी कम नहीं होने वाला है। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनाहगारों को उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर यह सीधा और कड़ा संदेश दिया कि बेटियों पर अत्याचार अब सहा नहीं जाएगा। कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है 22 जनवरी 2020 का दिन, जब निर्भया के गुनाहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। सुबह 7 बजे निर्भया के गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चारों दोषियों यानी कि अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्भया के साथ दरिंदगी का खेल खेलने वाले इन चारों दरिंदों को अब एक एक पल भारी लगेगा, क्योंकि वो नजदीक जा रहे हैं उस वक्त के जब उन्हें फंदे पर लटकाया जाएगा। साफ है। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। आप सोचिए कि जिस इंसाफ के लिए पूरे देश ने एकजुट होकर आवाज ने एक उठाई थी और जिस तरीके का गुस्सा दिखाया था, इसके बाद किस तरीके की चीजें बाकी रह गई हैं, ये भी समझिए। दोषियों के वकील ने कहा है कि क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं, पिटीशन दायर की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता हो सकता है वो है दया याचिका का। ये दो लीगल एड है जिसका रास्ता अख्तियार करके कोशिश कर सकते हैं, जिसमें से एक दोषी मुकेश ने कहा है कि वो दया याचिका के लिए नहीं जाएगा। ऐसे में ये सारी चीजें अब कानूनी दांव पेच से काफी ऊपर उठ चुकी हैं और ये लगभग साफ है कि अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की उल्टी गिनती शुरू है। हालांकि दोषियों के वकील ने कहा है क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील चाहिए होगा। निर्भया के गुनाहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद माता पिता ने खुशी जाहिर की है निर्भया के। निर्भया की मां कहती हैं ये बहुत बड़ा दिन है, तो पिता देरी पर थोड़ा गुस्सा जरूर है। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगे भी मैं लड़ती रहूंगी जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं घटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। आपको पता है कि डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहते हैं। इसमें फॉर्म नंबर 42 होता है और इसमें फांसी का समय, फांसी की जगह और तारीख का जिक्र होता है। फांसी पाने वाले सभी अपराधियों के नाम भी लिखे जाते हैं। अपराधियों को फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा जब इनके खिलाफ अपील करने के लिए पूरे 14 दिन का वक्त दे दिया जाए। ये वक्त हर किसी को मिलता है। अपील कोर्ट में करनी होगी, अगर अपील नहीं करी तो 14 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करनी होगी और या फिर दया याचिका, ये दो रास्ते हैं इन 14 दिन के भीतर आखिरी कोशिश के तौर पर जा सकते हैं, जिसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो कहती है कि एक आरोपी मुकेश दया याचिका के खिलाफ है। सात साल बड़ा लंबा वक्त होता है धैर्य के साथ हर एक कदम को आगे बढ़ाना। ऐसे में निर्भया के पिता क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। एक इस कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, और खुश इसलिए ही नहीं हूँ कि हमारे निर्भया को न्याय मिल गया,
बल्कि खुश इसलिए हूँ कि इनके वकीलों की इतने जाहिल दलीली देने के बावजूद भी कोर्ट ने आज हमको न्याय दे दिया। 22 जनवरी 7 बजे उनकी फांसी होगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है कि 22 आपने इतना साल से जो संघर्ष किया, इससे आपके केस के बाद कितना बदलाव आया? देखिए, बदलाव तो हमारी घटना उसके बाद ही बहुत सारे कानून बन गए, कानून फॉलो किए गए नहीं किए गए मैं नहीं जानता, क्योंकि केस तो बढ़ती ही जा रही, अभी भी बढ़ी रही है। लेकिन एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि चार चार जब एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें। निर्भया मामले में लंबा समय तो आपने क्या, इस सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंबा सफर जरूर था लेकिन इसका अनुभव भी बहुत हुआ है। हमारे देश में किन किन चीजों की कमी है न्याय के लिए, इसका हमें बहुत अनुभव भी हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ। लंबे वक्त से निर्भया केस की पैरवी कर रहे वकील की बात करें तो उनकी आंखों में आज आंसू थे। जो दर्द निर्भया के माँ बाप ने महसूस किया, उसी दर्द को निर्भया के वकील ने भी महसूस किया, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में वो अहम हिस्सा थे, बेहद मजबूत हिस्सा थे। इस वक्त जो है निर्भया के जो पेरेंट्स सीमा कुशवाहा, आंखें नम है खुशी के आंसू। डेफिनेटली देखिए, एक और चीज है कि आज मुझे शायद तब और ज्यादा खुशी होती कि आज निर्भया हमारे बीच होती। जो उन चार कन्विक्टेड ने जो क्राइम किया था, उस क्राइम के लिए उनके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है, और हमें खुशी इस बात की है कि समझना पड़ेगा कि एक बेटी दिल्ली की सड़क में, हमारे कैपिटल में 8 बजे रात को उसको घूमने का राइट नहीं है। उसके फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 21 का, उसको जीने का अधिकार छीन लिया गया। उसके साथ इतनी विभीष घटना की गई, उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया, ये पूरे जेंडर पे अटैक था। तो इस कोर्ट ने आज ये मैसेज दिया है कि अगर इस तरीके के कोई और भी क्राइम होंगे, हीनियस क्राइम, तो कोर्ट हमारे जुडिशियल प्रोसेस की तरह। आंखों में जैसे आपने फैसला सुना, आंखों में आंसू आ गए। डेफिनेटली देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रोफेशनली तो मैं इस केस को देख ही रही हूँ, लेकिन पर्सनली निर्भया के पेरेंट्स से हमारा एक रिलेशन है। उन्होंने बोला भी है आज कि हमारी बेटी एक तो नहीं है, एक लड़ रही थी हमारे लिए। निर्भया मेरी बहन थी, मैं IAS की तैयारी करी थी। जब ये घटना हुई, हम रात में रोते थे कि मैं भी अपने घर से स्टडी करने आई हूँ, किसी दिन सीमा के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो देखिए, हम तो इंश्योर करेंगे कि इस तरीके हमारे देश में और भी जो बहनों के साथ क्राइम हुआ है, जो आज उस दुनिया में नहीं है, अगर मैं जीवित हूँ और ऐसी और भी लॉयर हैं हमारी बहनें, तो वो सब एकजुट होकर के आए और अपनी दूसरी बहनों के लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि आप कोर्ट में अंदर मौजूद थे, सबको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, आप जो निर्भया के पेरेंट्स के साथ में थे, जैसे ही जब फैसला आया है, सभी जो निर्भया के माता पिता, क्या एक बात मैं बताऊंगी, मैं आंटी अंकल को बोल रही थी कि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरे लास्ट में आर्गुमेंट पे ही ये डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया, और लास्ट आर्गुमेंट मैंने ही कर दिया इस कोर्ट में। और मैंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट भी की कि सर, समझना ये पड़ेगा कि वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, कोर्ट उनको टाइम देता रहा कि आप अपने राइट का यूज कीजिए, लेकिन वो डिले करते रहे इस केस को, बार बार उन्होंने डिले किया। लेकिन अब जब उसकी कोई भी पेंडिंग नहीं है पिटीशन, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है, जो प्रोविजन है, कोर्ट ने प्रोविजन के तहत, लॉ के तहत इस ऑर्डर को किया है, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोर्ट रूम के अंदर का क्या जो है सिचुएशन थी, या ये कहा जाए कि निर्भया के माता पिता आपके साथ में थे, वो भी भावुक हो गए थे? बिल्कुल, मैं बताऊं कि निर्भया की वो जो पिक्चर है ना, जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। उनके पेरेंट्स का कहना था कि मुझे लग नहीं रही थी कि ये मेरी ज्योति है, जिसके लिप्स काले हो गए, आंख काली हो गई, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो नज़ारा आज फिर एक बार आंखों के सामने गूंजा कि जिस पेन से वो ज्योति गुजरी थी, हमने उस तरीके का पेन तो उन कन्विक्टेड को ना कोर्ट ने दिया ना हमने दिया। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसेस के थ्रू जाकर के उन्होंने जो क्राइम किया, उस क्राइम की इनको सजा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हमारे देश में और दूसरी निर्भया ना बने, इसलिए हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारी पॉलिटिशियन जो बिल पावर है, एंड अदर जो सोशल आप क्योंकि जो है निर्भया के माता पिता के साथ में कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, आगे आप लोग खड़े हुए थे, हालांकि हम लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि आप केस से जुड़े हुए थे, क्या क्या रिएक्शन था उस दौरान, सबसे पहले निर्भया के माता पिता का,
भावुक हो गए थे वो भी? वो तो एक ही चीज, जब देखिए वो कभी कभी उनको कोर्ट में नहीं समझ में आता, जो भी हियरिंग होती है इंग्लिश में होती, बोली बेटा क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ऑर्डर हो गया डैश, तो उनको एक सीने पे हाथ रखे कि अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मेरी बेटी जो तड़प रही थी शायद उसकी आत्मा को थोड़ा सा शांति मिलेगी, कि देखिए जिस तरीके से उसके राइट को कुचला गया इस रोड पर सड़कों पे, तो शायद उसको कुछ सुकून मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई लगे, काफी सेटिस्फाई। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि 22 तारीख की उनको वक्त मिल गया है, लेकिन क्यूरेटिव फाइल करेंगे फिर वो स्टे हो जाएगा? देखिए ये उनके लॉयर हैं, अदरवाइज मैं एक बात कहूंगी कि उनके पास अब कोई राइट है नहीं, अगर वो इन केस इस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को कोर्ट में अगर वो चैलेंज भी करते हैं, क्यूरेटिव में जाते हैं, तो कोर्ट सारी चीज़ों से अवेयर है, और जिस भी वो क्यूरेटिव में जाएंगे भी तो कोर्ट उसको डेफिनेटली डिसमिस करेगा, और ये सेम डेज में एग्जीक्यूशन के ऑर्डर। लेकिन उसके बाद में उनके पास दया याचिका का भी ऑप्शन है, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती? देखिए दया याचिका का टाइम उनका ऑलरेडी लैप्स कर चुका है, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने इनको 7 डेज का नोटिस दिया था एक साल एक महीने पहले, उसके बाद जब अक्षय का रिव्यू हुआ, डिसमिस हुआ, तो अक्षय को इन्होंने फिर एक और अलग से नोटिस किया कि आपके पास मर्सी का राइट है, आप उसमें जाइए, तो वो भी इनका लैप्स कर चुका है, इनके पास कोई राइट बचा नहीं है। और देखिए ये हीनियस क्राइम है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर है, इसलिए इस तरीके का कोर्ट मुझे नहीं तो लगता। एक आखिरी सवाल, 22 जनवरी सुबह 7 बजे ये वो तारीख है जब ये फांसी के फंदे पर लटकेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 22 तारीख सुबह 7 बजे फांसी की जो टाइम है और डेट और टाइम फिक्स किया गया है, और उसके जो टाइम जो 14 डेज का दिया गया है उसमें ये अपने इनके पास जो भी मेडिकल और अदर जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर, वो सब फॉलो करेंगे। जी जी, सुना आपने। और पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है, दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। जरा समझते हैं डिटेल्स। अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा को फांसी दी जाएगी। दोषियों के वकील ने कहा है कि क्यूरेटिव याचिका वो दायर करेंगे। डेथ वारंट के बाद दोषियों को ये 14 दिन का वक्त मिलता है, या तो दया याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन, ये दोनों वो दायर कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी पेच है, आप सिर्फ समय को टालने के लिए एकदम अंत में जाके दया याचिका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कोर्ट के समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ टालम टोली है या फिर आगे बढ़ समय बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी है। तो इस बार जिस तरीके के सारे स्टेप को पूरा कर लिया गया है, कानूनी दांव पेच से गुजर चुका है ये पूरा मामला निर्भया का, अब लगता नहीं है कि ज़्यादा वक्त बचा है इन 4 शक्लों के पास जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 4 दोषी 22 तारीख के इंतज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने वकील को सुना, निर्भया की वकील बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वकील अपना सपोर्ट नहीं देगा कि क्यूरेटिव पिटीशन वो दायर करें, उनके बिना ये पॉसिबल भी नहीं है। वही खबर है कि तिहाड़ जेल प्रशासन मेरठ के पवन जल्लाद को फांसी के लिए बुला सकता है। पवन ने क्या तैयारी की है वो भी सुनवाते हैं आपको। मेरे पे तो अभी कोई वैसे कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, और वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो आपको तारीख का पता चल गया है कितने लोगों को फांसी दी जानी? क्या 4 लोगों को दी जा रही है, निर्भया के 4 लोगों को दी जा रही है। तो अभी तक आपसे जेल प्रशासन ने किसी अभी कोई ऐसा बात नहीं करी उन्होंने? मैं अगर बात करेंगे मैं तैयारी में अपनी जो तैयार हूँ। कैसे शुरू करेंगे तैयारी? करेंगे जब जैसे कि वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे, और तक तब अगर चारों कहेंगे तो चारों बने दो। तो डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहते हैं, और किस तरह से तैयारी चल रही है, जो रस्सी होती है वो बक्सर जेल से मंगाई जाती है। तो 2 जनवरी 2013 सुनवाई के लिए त्वरित अदालत की व्यवस्था हुई थी। अगर आप पीछे जाकर इस पूरे केस को देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह के घटनाक्रम आपके सामने आएंगे। 3 जनवरी 2013 साकेत कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। 28 जनवरी 2013 नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में ये केस चला था। फिर आगे क्या होता है, धीरे धीरे एक एक करके आप घटनाक्रम को देखें, टाइमलाइन को देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 11 मार्च 2013 आरोपी राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
21 मार्च 2013 बलात्कार के खिलाफ कानून, फांसी का प्रावधान, ये जुड़ गया था पन्ने पर। 11 जुलाई 2013 जुवेनाइल अक्षय को दोषी पाया गया, सुधार गृह भेजा गया। 13 सितंबर 2013 चारों आरोपियों को दोषी पाया गया, मौत की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2014 उच्च अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 7 जनवरी 2020 आज का दिन क्या है ये, चलिए फिर से देखते हैं कि क्या टाइमलाइन रही है। 2 जनवरी 2013 सुनवाई के लिए त्वरित अदालत। 3 जनवरी साकेत कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र। 28 जनवरी 2013 नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस। 11 मार्च 2013 आरोपी राम सिंह ने आत्महत्या की फांसी लगाकर 21 मार्च 2013 बलात्कार के खिलाफ कानून में फांसी का प्रावधान जुड़ा। 11 जुलाई 2013 जुवेनाइल अक्षय को दोषी पाया गया। 13 सितंबर 2013 चारों दोषियों को सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2014 उच्च अदालत निचली अदालत फैसले को सुरक्षित रखता है। 27 मार्च 2017 और 5 मई 2017 उच्चतम न्यायालय फांसी की सजा बरकरार। 7 जनवरी 2020 डेथ वारंट 22 जनवरी के लिए सुबह 7 बजे। तो ये है घटनाक्रम पिछले 7 साल से आज के दिन तक। वहीं दोषियों के वकील अभी भी क्यूरेटिव पिटीशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि अभी उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प ऑप्शन बचा हुआ है। सिंह साहब, आप लोग कह रहे थे कि डेथ वारंट साइन नहीं होना चाहिए, लेकिन अदालत ने डेथ वारंट साइन किया है। उन्होंने इसलिए डेथ वारंट की डेट दिया है कि इस बीच में हमें जेल से डॉक्यूमेंट मिलने का आदेश किया है। पवन के जो डॉक्यूमेंट मिलने हैं, विनय के डॉक्यूमेंट मिलने हैं, वो मिलेंगे। पवन, विनय और अक्षय के डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम क्यूरेटिव पिटीशन जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और उसके साथ कोर्ट ने कहा कि आप स्टे एप्लीकेशन मूव करें, जिससे आगे का प्रोसीजर, जो आपकी लीगल रेमेडीज बाकी है, वो लीगल रेमेडीज आगे पूरी हो सके। लोगों की दलील थी कि अभी जो है डेथ वारंट जारी ना किया जाए क्योंकि हमारे पास में कानूनी विकल्प है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब टाल मटोल नहीं, अब आपको एक तय वक्त के अंदर ही, जो तय वक्त दिया है उसके अंदर हमें, क्योंकि अब कोई छुट्टियां भी नहीं है, टाइम है पूरा, हम उसमें क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो भी करेंगे। सवाल इस वजह से उठ रहा था क्योंकि रिव्यू जो है वो खारिज हुआ था जुलाई 2018 में, तब से लेकर दिसंबर तक आप लोगों ने जो कोई ना क्यूरेटिव फाइल किया ना दया याचिका फाइल, उसके बाद अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन अभी 18 दिसंबर 2019 को फाइल हुई और उसमें डिसमिस हुई। अभी उसका ऑर्डर कॉपी मिला है, उसको मिलते ही आगे हम प्रोसेस में। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्या क्यूरेटिव फाइल करेंगे दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन और डेथ सेंटेंस पर स्टे के साथ लगाएंगे, फाइल करेंगे, वो बस जल्दी कर देंगे। लेकिन जरा सोचिए, एक फैसले से पूरे देश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट क्यों है? क्यों? क्योंकि कोई भुला नहीं सकता 16 दिसंबर 2012 की वो रात, निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरे देश को दहलाने के लिए काफी थी ये खबर। 16 दिसंबर 2012 दोस्त और निर्भया को किस तरह से वो काली रात जो कोई नहीं भुला सकता पूरे देश को हिलाकर रख देती है और कैसा आक्रोश देश में दिखाई देता है, वो सारी चीजें मानो एक एक करके फ्लैशबैक की तरह हमारी आपके जहन में वापस आने लगी हैं। क्योंकि सबके जहन में था, सबके दिमाग में यही था कि ऐसे भी कोई किसी के साथ कर सकता है क्या, और करता है तो उसकी जगह क्या होनी चाहिए समाज में, इस धरती पर। तो इस दिन का इंतजार 2012 से था, जहां कोई भी हो पूरे देश में समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करे, किन शब्दों में इस पूरे वाक्य को, जघन्य अपराध को बयां करे, क्योंकि शब्दों की कमी पड़ रही थी। क्या कहे, जिनकी शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके बारे में कोई क्या कहे जो इन्होंने किया था 16 दिसंबर 2012 उस बस में। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे कि कैसे भी कोई इंसान होकर हैवानियत की इस हद को पार कर सकता है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के लोगों को भूली नहीं थी, क्योंकि कोई भी नहीं इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर सकता है, कोई भी नहीं अपने दिमाग से इस गंदी याद को इतने आसानी से जाने दे सकता है कि ये वो चार आरोपी धरती पर हैं, जिंदा हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल गया।
भी बहुत सालों से राह देख रहा था जनता ये कोर्ट के जजमेंट के लिए। आज जजमेंट, फाइनल जजमेंट सुनाए और मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ लोगों को फांसी देना ये सज़ा का मतलब नहीं है। ये सज़ा के द्वारा कोर्ट ने ये बताया देश में आने वाले दिन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना होना चाहिए, अत्याचार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना चाहिए। जिसके देश के जनता को आज कोर्ट न्यायस्थान यही बता चुका है। और भारत में मी टू मूवमेंट चलाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कहा है तनुश्री ने, ये फैसला उनकी नजर में नजीर है और क्या कहती है ये भी सुनिए। वो तो मैं कब से मैं बोल रही हूँ, ये तो इतना वायलेंट गैंगरेप हुआ है तो सब जोश में थे और इनको फास्ट ट्रैक करके भी 7 साल लग गए। लेकिन कितने रेप केसेस होते हैं, गैंगरेप्स होते हैं जिसमें लड़की मरती नहीं है और लड़की की इतनी बुरी हालत नहीं होती है लेकिन ज़िंदगी तो ख़राब होती है। लेकिन कितने केसेस है आज तक 10-10 साल तक केस में कोर्ट में है, जस्टिस नहीं मिली है। बनवारी देवी का केस देख लीजिए, आज तक उनको जस्टिस नहीं मिली है, बूढ़ी हो गई है वो। उनके जो आरोपी हैं वो दो चार टपक भी गए लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिली। तो ये प्रॉब्लम इज़ नीव में प्रॉब्लम है, बीच में प्रॉब्लम है। आप ठीक है, अब कोर्ट ने फांसी देना शुरू कर दिया है क्योंकि वायलेंट क्राइम भी इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं। पहले रेप्स होते थे फिर गैंग रेप, अब ये क्या है, दरिंदगी है ये। आई फील देर इज़ एन इशू इन द साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पूरे फैसले पर अपनी दिल की बात जाहिर करी है। क्या कहा है उन्होंने सुनिए। अब जाकर इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी। आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूं, हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूं, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पे आया था। मैं उस मां के जज्बे को सलाम करती हूं जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। जज का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि अब इतने साल बाद ही सही फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। और देश में अब ये जितने भी रेपिस्ट हैं उनको मुझे लगता है इस निर्णय से कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। तो हर किसी के पास आज कुछ ना कुछ कहने के लिए है क्योंकि किसी के जहन से वो याद, काली यादें निकल नहीं पाती हैं। जिस तरह से इन 4 लोगों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन्हें इंसान कहने का दिल किसी का नहीं कर रहा था जब ये खबर सब तक पहुंची कि विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और मुकेश, और जिसमें से राम सिंह ने अपने आप को खत्म कर लिया है पहले ही, वो भी उस काली रात में मौजूद था। लेकिन अब इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 22 तारीख। ये मानकर चलिए कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत इंतजार हो गया क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी हर किसी को लग रहा था कि ऐसे लोग भी हैं, धरती पर हैं, और इनकी क्या वाकई जगह समाज है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब इंसाफ के अपने चरण हैं, अपने स्टेप्स हैं, अपने प्रोसेस हैं और हर किसी के लिए बराबर है, हर किसी को बराबर मौका देता है अपनी बात कहने का। और इसी प्रक्रिया के तहत 7 साल का वक्त बड़े धैर्य के साथ ना सिर्फ निर्भया के माता पिता ने ये लड़ाई लड़ी बल्कि पूरे देश ने कहीं ना कहीं इन कड़वी यादों के सहारे इंतजार किया 22 जनवरी का। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।